नमस्कार मु ज्योति बात्या फोनी को बीतीगला सात मसर ऊर्ध समय हेले आज भी सेसु विभाग पहुँची पारिना उपभोक्ता निकट में जहाँ को आम विभाग पारिपणिया आख्यापर समस्त निकट में विद्युत पहुँचबार लक्ष्य नहीं केन्द्र ठार् राज्य सरकार जो योजना मान प्रणयन करेसु विभाग केते कार्यकारी करुच्छी आसतु देखा यही रिपोर्ट रु फुलखरास्थित अनंतपुर गाँव गोकुलानंद जेना कथा फणी पर बिजुली आलुक कण से आज भूली जाइंट दिन हेले सूर्य देवता भरोसा और संज नईले भगवान भरोसा गोकुलानंद बिना बिजुली रे राति रे आशा आशंक गोकुलानंद परिवार राति काटिबा को एक रकम बाध्य होती यह गोटे किंबा दुईटी रातिर घटना नुहे बात्या फणी पर गोकुलानंद परिवार चिराचरित चलनी घरे गर्भवती स्त्री सांग को पाठ पढ़ुआ तीन दिन टी छुआ भविष्य एवं से ही अंधार रे लिभिवा को बसला साप बेंग कंकड़ा बिछा राजुति गोकुलानंद परिवार को प्रति मुहूर्त चिंतार पकाउछी यह नहीं गोकुलानंद शेषु विभाग को दौड़ी दौड़ी जिते गुहारी कले भी विभाग पक्षर केवल आशुसेना ही पाई किंतु बिजुली संयोग पाइबारे आज भी अछुआ गोकुलानंद सबुठ बड़ कथा है बिजुली संजोग नथिले मध्य आज पर्यंत गोकुलानंद शेषु विभाग को बिल पैठ करिबारे व्यस्त विभाग कर्मचारी माने मीटर रीडिंग तांको घर को प्रति मास रे आसी बिल देबा घटना शेषु विभाग विचित्र नीति को दर्शाउछि घरे नाही करंट किंतु मासो को मासो गणा जाउछि इलेक्ट्रिक बिल कथाटा हुए तो आपन को अजब लागू थाई पारे किंतु आमे कहूछु खोद राजधानी रो फुलनखरा स्थित अनंतपुर गाँव रो गोकुलानंद जेना कथा जहाँ घरे फोनी बात्या को छह मास बीती जाइले करेन्टर सरबराह बंद रही मासक मास बिल आसूँ से बिल पे करूँ कौन पर घर को करेन्ट जाईना जहाँ ये आम सूचना पाथलु घरे छोट छोट पाने अच्छा गर्भवती महिला अच्छा जहाँफल से बहुत समस्या सम्मुखीन होती कौन पर बाछंद कर कौन पर लाइन जाऊना यह विषय तमाम आलोचना करवा गोकुलानंद जेना सहित गोकुलानंद जेना बात्या लाइन मो घर को इलेक्ट्रिक लाइन आसीना से जेई के पाक दस्तर दौड़े पिला मोर दौड़े से रसुलगढ़ रहती से जाकि दीटा साढ़े बारटा गोटाए बेले दौड़े मे मस खरारे से कह कलू आज एमती कही कही सी आगे आसिले कि आम आईन एपर्त 13 तारिख में गाँव बाला पाइले तापर ठीक आम दौड़ 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 दौड़ी 21 तारिख दिन मुझे एस टी को जाए निजे भेट हेली से कहे मुझे जीवी देखापी सी आगे से इठिक लाइन देवे मुझे जीवी देखापी 21 तारिख दिन मे 21 रे सी आगे आसिले कि देपर आम बाध्य जाइु लोक अदालत को जाइ परमानेंट लोक अदालत को सेठी से राय देदेले जे जुलाई 27 रे तांको लाइन दि से भी तांको हाथ में निजे लिखिदे आसे सीठे से एपर्त आसिले कि लाइन दे बर उल्टा तांको कथा बार्ता कला से आरोप रागिक कथबार्ता कर छोट पिला तीनटा पिला मोर पाठ पढ़ी पार ना बहु सत मस मानने प्रेगनेंसी अच्छी आउ सी गरम रही डॉक्टर कही जे बेड रेस्ट से तलूक भी ओल्ल होना यही अवस्था अच्छी बड़ आज फनी पर आम लाइन टाला कनेक्शन थी खुंटी से जो शेषुर जो आसे कम करने आम कनेक्शन तो काटिदे मुझे कहे काटुन कहीं ना आम किपर एमती कही कहला कहले तुम जे मुझे लाइन मैन जे फंडा होगा देखा मुझे फंडा लाइन टाइम कहीं दौना ना तुम्हें जाइए जेईक देखा कर मुझे किसी करपर जेईक जाए देखा जे गले हाँ मुझे आज जी देखिक लाइन टाइम देदेवि तपर से आसिले पुणी दी तीन दिन लगातार गलु आज जी कल जी एमती कहे लास्ट कहे ना से जाहबनी आ तुम से असुविधा अच्छी एमती कह गाँव असुविधा कौन किसी ना आम तो किसी जानू आम तो लाइन टाइम थी ना लाइन टाइम से निजे काटे सी जानते कौन असुविधा सुविधा आम कहूँ आम लाइन टाइम तो थी से निजे ही काटे लाइन टाइम को आसीस्टाट जी आई काटिदे खुंट उपर चढ़ अंधार आम बाध्यू कोर्ट को गलु पीएलए अदालत जाए लिखिक आसे कहे ना सी कौन मो शत्रु मत पुलिस प्रशिक्षण देते मुझे लाइन टाइम कनेक्शन देदेवि से निजे लिखी आसे अदालत जज सांगे सांगे सीधे कहे ना तुम जाओ तुम लाइन पाइज तापर तो तांकर 27 गला आ जज जे आमे पीएलए पाख जाई त सब आसे लेकिन पुलिस भी आसे ले से लाइन टाइम दे पारे
ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲୁ। ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଲାଇନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଲାଇନ୍ଟା। ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛି 10 ଦିନ ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିକି ମାସେ ପରେ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍ଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପ୍ଲଟ୍ ଆସୁଛି ସେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ପୋଲିସ ପଛ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ଲାଇନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ତଥାପି ସେ ଓଆଇସି ଆମର ପ୍ରକାଶ ଲୋକ ସେ ଲୋକ ମନା ସେ ଯେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେଇ ସେତେ ଲୋକ ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଯେଇ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ସିଏ କିଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ପୁରୁଣା କୋର୍ଟରୁ ଲାଇନ୍ ଯିବ, କୌଣସି କଞ୍ଜୁମର ଲାଇନ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିତ ହେବେନି, ସିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ନଥିଲା କ'ଣ? ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ 3 ଜଣ ଯାକ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି ସାପ ପଶିଯିବ, କ'ଣ ବିଛା ପଶିଯିବ, ଏମିତି ଡରୁଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆଉ ମାନେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ତ ଗରମ ଜାଣିକି ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆମେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଇ ଆମର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ଡେଇଁଲା ପରି ଭେଟିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମ ଆସିବା ଶୁଣି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଗ୍ରାମର କେତେଜଣ ପରିବାରର ବିରୋଧ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନୁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ନିଆଁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା କେତେ ଜୁଟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ସେସୁ ବିଭାଗ ବିଚାର କରିବା ଜରୁରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଲନଖରାରୁ ବିକ୍ରମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।